अपनी गाड़ी जब हम ओवरटेक करेंगे तो गाइस हम क्या करेंगे कि गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए निकालेंगे कि जो कि गाड़ी को किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे गाइस आपको एक चीज मैं आपको प्रॉपर बताना चाहूंगा, पहले आप जरूर देखेंगे कोई गाड़ी आ रही नहीं आ रही है। दूसरी चीज गाइस हम लेफ्ट साइड मिरर में देखेंगे दूर तक कोई गाड़ी आ रही नहीं आ रही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं पीके ड्राइवर आप सभी लोगों को और एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं एक नए टॉपिक पे ये वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि हाईवे पे हम गाड़ी ओवरटेक करते समय हमें क्या क्या जजमेंट रखना चाहिए, क्या तरीका आना चाहिए, कितनी स्पीड में गाड़ी को ओवरटेक करनी चाहिए। क्योंकि जजमेंट और तरीका गाइस जब हमको आता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट हमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती है जब हम नए बिगनर होते हैं। तो क्या तरीका है गाड़ी को ओवरटेक करने का और क्या सही तरीका होता है गाड़ी को हम कितनी स्पीड में सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करें, ओवरटेक करते समय हमें क्या क्या जजमेंट रखना चाहिए, क्या तरीका आना चाहिए, कैसे गाड़ी को ओवरटेक करना चाहिए, तो आज इसी टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो को आपको एक लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो जरूर देखें। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम गाड़ी को अपने लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हैं तो हमें क्या क्या जजमेंट रखना चाहिए, क्या क्या तरीका आना चाहिए। क्योंकि जब हम गाड़ी को ओवरटेक करते हैं तो हमें क्या क्या कंडीशन हाईवे पे होनी चाहिए जो कि हमारी गाड़ी को किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो, और पीछे आने वाली गाड़ियों को भी हमें चेक करना है, और सामने जिस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं उसका भी जजमेंट हमें लगाना है कि हमें कैसे गाड़ी को क्रॉस करना है। क्योंकि हाईवे पे गाड़ियां तेज चलती हैं, उस सिचुएशन में गाइस क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कितनी स्पीड में हमें गाड़ी को ओवरटेक करनी चाहिए जो कि प्रॉपर सही हो। क्योंकि गाइस कभी कभी जब हम नए बिगनर होते हैं तो हमारे मन में एक सवाल यह रहता है कि हम कितनी गाड़ी स्पीड में सामने वाली गाड़ी से हम क्रॉस करें, या कैसे हम अपनी गाड़ी को ओवरटेक करें, या लेफ्ट साइड ही हमें चलाना है गाड़ी या राइट साइड भी चलाना है। कई प्रकार से उनके मन में सवाल रहता है, वो डाउट कैसे क्लियर हो जो कि आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो गाड़ी को ओवरटेक करते समय। अधिकांश लोगों को ये दिक्कतें आती हैं कि वो अपनी गाड़ी की फ्रंट में कैसे अपना जजमेंट ले, वो तरीका नहीं आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपको आगे मेरे दिख रहा होगा एक टैंकर जा रहा है जो कि ट्रक है, उसमें सिलेंडर वगैरह लदे हुए हैं। तो इसको हमें जैसे ओवरटेक करना है तो क्या जजमेंट होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, कितनी स्पीड में गाड़ी को हम निकालेंगे, क्या तरीका होता है गाड़ी को निकालने का, परफेक्ट तरीका क्या होता है, जगह कितनी हमें लेनी चाहिए, कितनी दूरी से गाड़ी को ओवरटेक करना चाहिए, या कितनी दूरी से हमें जज करके गाड़ी को निकालना चाहिए, सारा सिस्टम मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि नए बिगनर होते हैं तो ये गलतियां करते रहते हैं, उनके मन में ये सवाल भी रहता है और एक डाउट रहता है कि हम कैसे गाड़ी को ओवरटेक करेंगे, क्योंकि वो नए ड्राइवर होते हैं, वो अधिकांश ये फार्मूला नहीं उनको पता होता है। यहाँ पे गाइस देखिए ये गाड़ी जो जा रही है इसको हम ओवरटेक करेंगे तो क्या तरीका होता है, क्या सही तरीका। पहली चीज गाइस हम अपनी गाड़ी का इंडिकेटर चला लेंगे। दूसरी चीज गाइस हम लेफ्ट साइड मिरर में देखेंगे दूर तक कोई गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है, पहले आप जरूर देखेंगे कोई गाड़ी आ रही नहीं आ रही है। अपनी गाड़ी जब हम ओवरटेक करेंगे तो गाइस हम क्या करेंगे कि गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए निकालेंगे कि जो कि गाड़ी को किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे गाइस आपको एक चीज मैं आपको प्रॉपर बताना चाहूंगा, जब मैंने गाड़ी ओवरटेक की थी तो गाड़ी की स्पीड मेरी थी लमसम 60 के आसपास, फिर गाड़ी डाउन होते होते या मान लीजिए कि हल्की सी स्लो कम स्पीड पकड़ी मेरी गाड़ी लमसम 50 के आसपास आ गई थी, अब 60 के पास हो गई है। तो क्योंकि वहां पे गाइस ओवरब्रिज था, चढ़ाई थी, तो इसके कारण गाड़ी हमारी थोड़ी स्पीड कम हो गई थी। तो देखिए गाइस जब गाड़ी आप ओवरटेक करते हैं तो आपको एक चीज में ध्यान में रखना है कि गाड़ी का जब फ्रंट हमारी निकल जाए तो उसके बाद हमें डायरेक्ट राइट साइड नहीं आना है, आराम से हमें गाड़ी को जज करना है और निकालने देना है। और गाड़ी का जब हमें ओवरटेक करना है तो हॉर्न देते हुए गाड़ी को ओवरटेक करेंगे, क्योंकि गाइस ओवरटेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जजमेंट सही से लेना चाहिए और देना चाहिए। फिर से मैं आपको गाइस यहाँ पे ओवरटेक करके दिखाऊंगा। बीच वाले एरिया में देखा कोई गाड़ी नहीं, लेफ्ट साइड वाले मिरर देखा कोई गाड़ी नहीं, सामने बाइक जा रही कोई नहीं, अब लेफ्ट साइड वाला इंडिकेटर चला दिए हैं और गाड़ी को हम अपनी
सामने देख रहे हैं बाइक जा रही है, इसको हम अपने हिसाब से जाने देंगे और हॉर्न दे दिए, यहाँ पे हॉर्न दे दिए, आराम से हम अपनी गाड़ी को थोड़ी दूरी से निकालेंगे इस तरीके से हॉर्न देते हुए, क्योंकि बगल वाली जो गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं तो उसको भी ये लगे कि हाँ बंदा सही से गाड़ी निकाल रहा। और एक चीज गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट राइट साइड जब हम आते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या जजमेंट रखना चाहिए। देखिए गाइस, पहली चीज तो आपको अपने लेफ्ट साइड वाले मिरर में पूरा प्रॉपर दिखने लगे गाड़ी का फ्रंट जो पीछे जा रही है उसको दिखाई पड़े आपको कि इस मिरर में आपके राइट साइड वाले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। जब आपको पूरा दिखने लगे गाड़ी का बोनट तो अपनी राइट साइड गाड़ी अपनी राइट साइड वाली पट्टी पे ला सकते हैं, तो इस तरीके से अपनी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से और सुरक्षित समय से सुरक्षित अपनी कार और सुरक्षित बगल वाले को गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं, तो किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस आप लोगों को जब भी गाड़ी ओवरटेक करनी है तो आप बहुत ही आसानी से और सुरक्षित अपनी गाड़ी को हर एक नियम का पालन करते हुए क्रॉस करें और ओवरटेक करें, क्योंकि गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती है हाईवे पर। फ्रेंड्स आज मैंने आपको बताया कि हाईवे पर गाड़ी को ओवरटेक करते समय आपको क्या क्या जजमेंट रखना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, कितनी स्पीड में गाड़ी को ओवरटेक करें, क्योंकि सामने वाली गाड़ी जब ओवरटेक करते हैं तो हमें हर एक चीज को परफेक्ट पता होना चाहिए कि कितना जजमेंट हमें रखना चाहिए, क्या क्या तरीका होना चाहिए, कितनी स्पीड गाड़ी को होनी चाहिए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो गाइस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी प्रकार से आपको कोई जानकारी या सुझाव चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, और चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आप मुझे इजाजत दीजिए, किसी नेक्स्ट वीडियो मिलता हो, तब तक लोग के बाय, जय हिंद।